जय गुरुदेवरी सा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस आज के ब्लॉग में शुरुआत करते हैं। मतलब आज के ब्लॉग में ना खाना है, ना पीना है, ना क्लीनिंग है, ना डस्टिंग है। बस ब्लॉग में नहीं है, बाकी हमने खाना भी खा लिया, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह घर का सारा काम हो चुका है। बच्चे स्कूल जाके भी घर वापस भी आ गए और अभी दोपहर हो गई है। और हम लोगों ने आज सोचा कि आज हमारे ब्लॉग में कुछ रंग बिरंगा, मतलब कलर होली आ रही है तो हमें भी सोचा कि कुछ रंग बिरंगा दिखाया जाए। तो रंग बिरंगा हमारे पास में तो कलर तो फ़ोन पे दिखाए नहीं जा सकते, तो हम लोग आज हम आपको हमारी रंग बिरंगी चूड़ियों का जो कलेक्शन है, हमारे बैंगल कलेक्शन, वो इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बस अभी हमने अलमीरा क्लीन की तो सारी बैंगल्स जो थी हमने बाहर निकाली, तो अंदर रखने से पहले सोचा क्यों ना इस पर एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो बस वो मैं और मासी, मतलब मैं और मासी सेम ही लेके आते हैं। जहाँ से मासी खुद के लिए परचेज करती है वहाँ से मेरे लिए भी लेके आती है, और मैं जहाँ जाती हूँ तो मासी के लिए भी अलग अलग कलर में हम दोनों के सेम ही होता है। तो बस अगर आप लोगों को ये हमारा बैंगल कलेक्शन का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो फिर हम आने वाले टाइम में, मतलब हमारे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारे पास में, बाकी तो गोल्ड की तो लॉकर में रखते हैं, जो आर्टिफिशियल हेड कहीं जाते हैं तो पहनने के लिए, तो उसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे। तो बस आज का हमारा ब्लॉग है इसी पे, बैंगल कलेक्शन पर। और मेरी आँख थोड़ी सी कल कृष्णा के हाथ से लगी इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो रखी है, इसलिए चलो बने रहे आप लोग भी हमारे इस एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे हमारी मासी रेडी हो चुकी है हमारा बैंगल कलेक्शन दिखाने के लिए। तो प्लीज आप लोग भी एंजॉय करें और लाइक करना, सही है ना मासी? तो पहले एक बार हमारे पूरे कलेक्शन पे, ये तो यहाँ जो ये जो सारा कलेक्शन है वो यहाँ पे अभी मासी का है, मेरा मेरे रूम में है, तो हम दोनों के सेम ही है। तो बस मासी अभी बताएगी ये सब कुछ। शुरुआत करते हैं अपने राजस्थानी दाल का चूड़ियों की। देखो ये बताओ, ये जो चूड़ा है वो मैं मेरे, मतलब ये ढाल उतार है तीनों ही, ये दोनों तो हम लोग सूरत से लेके आए थे, और ये मेरे गांव के पास में जेतारण है वहां से मैं लेके आई थी। ये चूड़ा, ये भी ढाल उतार है, ये वहां से कहाँ से लाई थी तुम? अच्छा, ये हर ड्रेस पे मल्टी कलर है ना, कोई भी ड्रेस पे आप इसे पहन सकते हो। और ये दोनों चूड़े भी ढाल उतारी है, ये निकालना मासी बाहर, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी हम जेतारण से ही परचेज किया था हमने, वो वहाँ पे बहुत अच्छे ऐसे ढाल उतार के चूड़े मिलते हैं। ऐसा एक लाल कलर में है और ये मासी के है लाइट पिंक में। और ये मासी आपने कहाँ से परचेज किया? ये मेड़ता के पास बुटाटी धाम है वहाँ से। ये भी पूरा मल्टी कलर ढाल उतार चूड़ा है, ये भी सारी ड्रेस पे बहुत अच्छा लगता है। और मासी की नेक्स्ट कलेक्शन है, मासी ये कहाँ से परचेज किया? ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सब साड़ी के लिए ना, सूरत से लिए, साड़ी पे पहनने के लिए। और ये भी सारे मासी के ढाल उतार चूड़े ही है, मासी को ढाल उतार बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, मैंने कम लिए, मासी बहुत ज्यादा लेती है। ये सब कहाँ से परचेज किए मासी? ये सब जोधपुर से लिए। ये भी अच्छे लगे, ये रेड कलर पे, ये ग्रीन। और नेक्स्ट है मासी का कलेक्शन, मासी कौन ये कहाँ से सब परचेज किए? सब अच्छे लग रहे हैं। ये लाए थे शादी में उस टाइम के, ये पिंक और ग्रीन दोनों। और ये उदयपुर से लेके पिछड़ी वैकेशन में, मतलब ये जो सारा कलेक्शन है वो हमारे 10-12 महीनों का, ये जो पुराने वो तो हमने दिखाए नहीं, वो तो सब पड़े, ये अभी हमारे न्यू कलेक्शन है ना मासी। चलो मासी नेक्स्ट आने दो जल्दी से। और ये मासी के प्यारे प्यारे कलेक्शन, मासी ये सब आपने कहाँ से परचेज किए? ये बाढ़ में जिले में समुद्री है ना। हाँ मासी, मतलब तेरे पास में हर जगह के चूड़े हैं ढाल उतार, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है, येलो पे भी ये सब। और अब आ चुके चमकते धमकते कड़े, मासी ये कहाँ से परचेज किए? हैदराबाद से, मैं तो नहीं गई पर आ गए। हाँ मतलब मासी की भतीजी रहती है तो हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भी। तो हमारे पास में हैदराबाद का कलेक्शन भी है। और ये सब मासी, ये सब यहीं से लिए साड़ियों पे पहनने के लिए, सब कलर के, जैसे आज मैंने येलो साड़ी पहनी है तो मैंने येलो, ये हर कलर की है हमारे पास में, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, डार्क पिंक, ग्रीन, ये सारे कंगन है जो हम साड़ियों पे पहनते हैं। और फिर से आ गए हैं ढाल उतार, ये चूड़ियाँ ये मैं जेतारण से लेके आई थी, जब भी मैं वेकेशन में जाती हूँ लेके आती हूँ। और ये वाला, ये सारे मल्टी कलर है, ये हम लोग सूरत से लाए थे ना मासी, ये सेम मेरे भी है और ऐसा सेम मासी के भी और ऐसा सेम मम्मी के, ये मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ।
और ये भी सारी ढाल उतारी। ये अभी मैं 6 महीने पहले उदयपुर गई थी, तब मेरे मामोसा के यहाँ पे, वहाँ से मैं लेके आई। ये भी बहुत अच्छी, आप कोई भी ड्रेस पे पहन सकते हो ढाल उतार। और ये खाली दो दो चूड़ी है, मतलब रेड एंड ये भी, हाँ ज़्यादा हैवी नहीं पहननी हो तो ये दो मैं पहन लेती हूँ। ये मेरे लिए मेरी मम्मी लेके आए थे। और फाइनली आ चुकी है मेरी सबसे फेवरेट चूड़ियाँ। ये मेरी, मैं खुद परचेज करके लाई थी मैंने जैतारण से, वहाँ पे मैंने बोलती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती है। ये भी ढाल उतार है, और मैं जितनी बार मैंने मासी इनको पहनी है ना, सबको इतनी पसंद आई है ना बहुत सब, और मल्टी कलर है, मैं हर ड्रेस पे पहन लेती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, जल्दी से पहन भी लेती हूँ, जल्दी से खुल भी जाती है। सबसे फेवरेट है ये ढाल उतार चूड़ा, मेरा सबसे फेवरेट है। मासी के नहीं लेके आई मैं, खाली मेरे लाई थी ये वाला। तो फाइनली अभी हमारा कलेक्शन अब थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने वाला है। ये भी मल्टी कलर है, ये भी मैं जैतारण से ही लेके आई थी। और ये चूड़ियाँ, ये मैं पुष्कर गई थी ना अभी नेक्स्ट वेकेशन में से घूमने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ लाना अच्छा लगता है कि वहाँ की निशानी लेके आओ, तो मैं ये चूड़ियाँ लेके आई। ये लाख की है, लेकिन मैंने मासी ने एक बार भी नहीं पहनी है। और ये तो हैदराबाद में बनाते ना धागे से ऐसे, ये मुझे मतलब मेरे एक सिस्टर है उन्होंने दी थी। और ये मेरे मम्मी लेके आए मेरे लिए, मेरी मम्मी भी मेरे लिए बहुत सारी चूड़ियाँ कलेक्ट करती रहती है, तो बस ये सब साथ में रखी हुई है मैंने। मैंने इनको भी नहीं पहनी है, ये भी नहीं पहनी है, और ये तो मल्टी कलर है, इसलिए अभी शादी में पहनी थी, बाकी मैं घर पे कम पहनती हूँ। तो फाइनली अभी ये है, ये सारे हमारे कड़े, ये सब हमने सूरत से ही परचेज किए हैं। पहले हम साड़ी पे बहुत ज़्यादा पहनते थे, अब तो मैं खाली पतली पतली चूड़ियाँ ही पहनती हूँ। ये सारे कड़े फाइनली ये था हमारा छोटा सा बैंगल कलेक्शन, मतलब ये अभी अभी हमने जो लास्ट 10 महीने में हमने नई परचेज की थी वही सब है, बाकी पुरानी तो हमने निकाली नहीं, क्योंकि यूँ तो हम कितने सालों से ये तो हमारा सारी लेडीज का शौक है, ये तो पूरा ही नहीं होता, जहाँ से आए वहाँ से लेके ही आते हैं। तो अभी युवराज भी यही देख रहा था कि आप लोग क्या ब्लॉग बना रहे हो मम्मी, तो मैंने बताया इसको कि सबको बहुत पसंद आता है बैंगल कलेक्शन, तो सही है ना मासी। और मेरी सबसे फेवरेट तो मैंने आप लोगों को बता ही दी, ये बहुत फेवरेट है मेरी सबसे ज्यादा। तो बस आप और इधर भी बताओ, ये ध्यान में खाना खा के ध्यान मुद्रा में बैठी, इतनी सारी बैंगल कलेक्शन चूड़ियां हमारी राजपूती ढाल उतार चूड़ों को देख के वो चली गई और उड़ के बदल गुकी। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर होगा तो हम लोग हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी जरूर ब्लॉग बनाएंगे। किसु तेरी वजह से मेरी आंख में लगी हुई, देखा मैंने बता भी दिया है, मेरी आंख थोड़ी लाल भी हो रखी है। तो इसी के साथ में तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, आज का हमारा छोटा सा ही था ब्लॉग। तो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you.